हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहुल देवदास सलानिया। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो मन में तो नीचे में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे यूट्यूबर से मिलाने वाले हैं जो न्यू यूट्यूब क्रिएटर के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, जिनका नाम है कौशल और उनके चैनल का नाम है टेक्निकल कौशल। दोस्तों, इन्होंने आप देख सकते हैं मेरे सामने में बैठे हुए हैं कौशल सर, और इन्होंने आज तक लगभग 1000 से चैनल से ज़्यादा चैनल को मोनेटाइज कराया है, सपोर्ट कर किया है, हेल्प किए हैं 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम देकर। दोस्तों, आप सबों को पता होगा कि बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर हैं बड़े बड़े जो कि केवल बताते हैं कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन कौशल सर टेक्निकल कौशल से ऐसे हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, चैनल को मोनेटाइज कराते हैं। अगर आप छोटा क्रिएटर हैं, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, आपका सब्सक्राइबर 1000 नहीं पूर पा रहे हैं और आपका वॉच टाइम अगर 4000 घंटा से कम रह रहा है, तो आप कौशल सर से संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों का चैनल मोनेटाइज कराया है, आपका भी चैनल को मोनेटाइज करा देंगे, सपोर्ट करेंगे, हेल्प कर देंगे। तो दोस्तों, आइए इस खास बातचीत में कौशल सर से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो यूट्यूब में कैसे सक्सेसफुल हुए और यूट्यूब में छोटे छोटे क्रिएटर को कैसे सपोर्ट करते हैं और कैसे वे चैनल को मोनेटाइज कराते हैं। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं कौशल सर से। कौशल सर मेरे सामने बैठे हुए हैं और जानते हैं आज कौशल सर से कि किस तरह से वो छोटे छोटे यूट्यूब क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं। कौशल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे यूट्यूब व्यूवर से अपना इंट्रो दे दीजिए और अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है कौशल किशोर यादव और मैं हूँ झारखंड के गढ़वा जिले से। मेन टाउन में ही मेरा घर है, रेलवे स्टेशन से बहुत नज़दीक है। बहुत सारे लोग अभी तक मुझसे मिलने भी आ चुके हैं मेरे घर पे, लेकिन मेरे घर पे वैसे अभी फैसिलिटी नहीं है जिसकी वजह से मैं उनको रोक नहीं पाता हूँ। लेकिन कुछ समय बाद वो स्टूडियो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जो बाहर से जो लोग मिलने आते हैं उनको मैं अपने घर पर कुछ दिन के लिए रोक भी सकूँ, अगर वो एक दिन रुकना चाहें तो। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, लगभग रियल मायने में देखा जाए तो मैंने 2018 में स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद 300-400 सब्सक्राइबर हो गए थे और लगभग उस यूट्यूब चैनल पे 60,000-70,000 व्यू क्रॉस कर चुका था। लेकिन किसी कारणवश कहीं और जाना पड़ा मुझे, जिसके वजह से वो चैनल रोक दिया गया। रोकने के बाद वो फिर से डेड हो गया। तो उसके बाद फिर मैं कौशल विकास योजना में लगा रहा। लॉकडाउन आया तो घर पर पूरा आज़ादी मिला कि घर पे बैठे बैठे क्या करें, यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते, तो सोचे कि अब क्यों ना फिर से स्टार्ट किया जाए। तो मतलब खुला सांड के जैसा एकदम समय मिला उस समय, तो यूट्यूब पे स्टार्ट किए और देखने लगे कि कैसे कैसे किया जाए सब्सक्राइबर वॉच टाइम। तो जो आज के दिन में मैं 10 दिन में लोगों का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर देता हूँ, वही मैंने 4 महीने में किया था। बिकॉज कि बड़े यूट्यूबर डरा रखे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर खुद से मत कीजिए, वॉच टाइम खुद से कीजिएगा तो हो जाएगा, अपना मोबाइल में वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं अभी बोलिएगा मैं अभी 50 बार अपनी वीडियो को प्ले कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो उस चक्कर में मेरा 4 महीना लगा और उसके बाद फिर गूगल एड्स के द्वारा मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ग्रो किया। और मेन मकसद था यूट्यूब चैनल खोलने का कि समय जो बर्बाद हो रहा था घर बैठे बैठे लॉकडाउन में, वो बर्बाद ना हो। मेरा इंटेंशन नहीं था कि आगे चल के लोगों का मोनेटाइज करेंगे। लोग मुझसे कांटेक्ट करते गए, धीरे धीरे मोनेटाइज करते गए, सिलसिला बढ़ता गया, तो उसी को मैंने बड़े पैमाने पे स्टार्ट कर दिया। कौशल सर, आप से मेरा अगला सवाल है कि आपको आइडिया कहाँ से आया था कि यूट्यूब से पैसा अर्न किया जा सकता है, और आपको ये आइडिया कहाँ से आया था? जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, मेरा मेन क्षेत्र है, क्योंकि मैंने 1.5 करोड़ का लगभग काम अभी निपटा दिया है कौशल विकास योजना का। उधर मेरा पूरा इंटेंशन मतलब पूरा ध्यान उधर केंद्रित था, लेकिन लॉकडाउन में खाली बैठने की वजह से समय बर्बाद न हो इसके लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। और यूट्यूब से तो पता ही था कि अर्निंग होता है। सर, कौशल सर, आप बताइए कि आपके चैनल का नाम क्या है, प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल बता दीजिए, और आपके चैनल पे सब्सक्राइबर कितने हैं अभी, और
आप मंथली इनकम अभी अपने चैनल से कितना करते हैं? देखिए, मेरे चैनल का नाम पहले मास्टर ऑफ कंप्यूटर था, जी सर, क्योंकि मैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ा रहा था, कोरल रो और कुछ कुछ एनिमेशन सॉफ्टवेयर बता रहा था। और आपने ये भी बताया है कि स्टार्टिंग में जब आपने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, तो आपका वीडियो कोई शायद कोई खरीदना चाहते थे। हाँ, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का जो दो दो तीन तीन घंटे का वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल तीनों का था, तो वो मैंने 22,000 रुपये में लगभग तीनों का पैकेज बेचा था। मतलब उसको बनाने में भी लग गया था, 10 से 15 दिन लग गया था बनाने में उसको। यानी कि कंप्यूटर पे आपका पकड़ बहुत अच्छा है। हाँ, उस पर ही कंटिन्यू शुरुआत से ही मेरा रहा है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर था, व्यू नहीं आ रहे थे, तो मैंने यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर अपना रुख को मोड़ लिया। उसके बाद फिर धीरे 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 मोनेटाइज किया। सब्सक्राइबर अभी लगभग 35,000 कंप्लीट होने वाले हैं, या शायद कल तक हो जाए। और बाकी अर्निंग की जहाँ तक बात है, अर्निंग 8,000, 9,000, 7,000, 12,000, 10,000, ऐसे करके उतार चढ़ाव होते रहता है, क्योंकि मैं वीडियो ढंग से डालता नहीं हूँ। इस बार इस महीने शायद लगभग 12,000 आ जाए, और स्पॉन्सरशिप मैं करता नहीं हूँ। स्पॉन्सरशिप करें तो कम से कम महीने का 30-35 हज़ार पार कर जाएंगे। एक छोटे शहर से आप इतना यूट्यूब से अर्न कर रहे हैं सर, ये बहुत ही हौसले वाली बात है हम सबों के लिए, गढ़वा जिला के लिए और झारखंड के लिए। क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि बड़े बड़े शहर में ही यूट्यूब क्रिएटर बड़े बड़े बनते हैं, लेकिन ऐसा गलत कहना है। क्योंकि हम छोटे गढ़वा शहर में रहते हैं, और वहाँ से आपने कईयों को, पूरे इंडिया के लोगों का, छोटे छोटे जो यूट्यूब क्रिएटर हैं उनका चैनल को मोनेटाइज करा दिया है। तो आपसे हम कौशल सर ये जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक कितना कितना चैनल को मोनेटाइज करा दिया है, और मैंने किस तरह से आप मोनेटाइज करा दिया है। देखिए, सबसे पहली बात, क्रिएटर गढ़वा में भी हैं, जी सर, छुपे हुए हैं, जी सर, जैसे मैं भी कभी गुम हूँ। जी सर, वैसे बहुत सारे क्रिएटर हैं। मैंने जब मेरा सब्सक्राइबर लगभग 10,000 कंप्लीट होने वाला था, जी सर, तो मैं वहाँ बस स्टैंड में एक दुकान में गया था। जी सर, वहाँ पे गया तो मैं वाइटी स्टूडियो खोल के रिफ्रेश करके चेक कर रहा था 10,000 कब कंप्लीट हो। जी सर, एक बंदा पीछे से आप बोला कि भैया यूट्यूबर हैं क्या? बोले हाँ यूट्यूबर जी हैं। सर, तो हमको लगा कि हम ही तोप होंगे, जी सर, ठीक है, लगा महसूस हुआ ऐसा कि हम ही जी तोप होंगे, सर, भाई मेरा इतना सब्सक्राइबर जी है। सर, वो अपना दिखाया, 2 लाख सब्सक्राइबर था उसका। उसके बाद एक और स्टोरी हो गया, भगवती कंप्यूटर में चले गए, जी सर, वहाँ भी गए, वहाँ भी पूछे, बोला 28 लाख सब्सक्राइबर। हमने देख के सोचे कि तुम 28 लाख, तुम्हारा सब्सक्राइबर दिखाओ। बड़ा बात वाईटी है। स्टूडियो खोला, 28 लाख सब्सक्राइबर था, लेकिन व्यू कम था बेचारे का, 1,000, 2,000, 3,000 व्यू आ रहा था। गढ़वा से ही हाँ, व्यू गढ़वा का आ है लड़का, रहा है। हाँ, हमने भी है देखा है। दिक्कत। तो अब ये हो गया कि भाई मेरे से भी बड़े बड़े तोप हैं यहाँ पे, ठीक है, गुम है अभी हम। हमने भी देखा है, जैसे कि एक रतन राजपूत नाम से यूट्यूब चैनल पे एक लड़की का चैनल है जो कि ब्लॉग बनाती है, उनका लगभग 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो पहले गढ़वा को अपने होम में फ़ोटो में लगाई थी, गढ़वा शहर का नक्शा, तो हमने देखा। तो अब शायद वो चेंज कर दी हैं, और रतन राजपूत शायद गढ़वा में नहीं रहती हैं, और लेकिन ब्लॉग बनाती हैं और गढ़वा से बिलोंग करती हैं, और 3.5 लाख 4 लाख उनका सब्सक्राइबर है। तो गढ़वा से भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं। लेकिन कौशल सर, हम ये कहना चाहते हैं कि आपके जैसा किसी कोई यूट्यूबर जितना है, बड़े बड़े यूट्यूबर, वो छोटे यूट्यूब क्रिएटर को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप करते हैं। तो सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप जैसे छोटे यूट्यूब क्रिएटर हैं, और जो सब्सक्राइबर को लेकर परेशान है कि मेरा सब्सक्राइबर 1,000 नहीं पूर रहे हैं, मेरा आज टाइम 4,000 घंटा नहीं पूर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइबर कैसे पुराते हैं, और वाच टाइम कैसे 4,000 घंटा पुराते हैं, और किस तरह का ये आप मैनेजमेंट करके उनका चैनल मोनेटाइज कराते हैं, इसके बारे में आपने आपसे हम जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, सब्सक्राइबर और वॉच टाइम हम जो बढ़ाते हैं, सब्सक्राइबर तो सर्वर के थ्रू बढ़ा देते हैं, बहुत सारे सर्वर पड़े हुए हैं, जो हम लोग बल्क में ऑर्डर देते हैं तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो लोगों को भी अच्छे से डिलीवर हो जाता है, और प्लस में सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसके वजह से सब्सक्राइबर ड्रॉप भी हो तो दोबारा रिफिल हो जाता है। वॉच टाइम के लिए कंप्यूटर का फुटेज दिखा दीजिएगा, सारे कंप्यूटर यहाँ पर भी लगे हुए हैं और घर पर भी लगे हुए हैं, उससे वॉच टाइम दे देते हैं। लेकिन इसके अलावा सब्सक्राइबर लोग खुद से पूरा करना चाहे तो वही कर सकते हैं, अश्लीलता थंबनेल में दिखा दीजिए, क्लिक बेट कर दीजिए, सही है, जिससे लोग क्लिक करें, वीडियो कंटेंट थोड़ा ठीक ठाक दे दीजिए ताकि लोग सब्सक्राइब करें। जी सर, वो नहीं हो रहा है तो समय बर्बाद मत कीजिए, जी सर, सही बात है, 5 दिन में खरीद लीजिए, 2 दिन में खरीद लीजिए। अच्छा सर, मैं भी एक छोटा ही यूट्यूब क्रिएटर हूँ,
अभी आपसे मिलने का मौका मिला तो आप बहुत रिस्पेक्टेबल लगे हमें, आपका ऑनेस्टी बहुत पसंद आया। आपके बारे में हम सोचे कि क्यों ना कौशल सर का इंटरव्यू लिया जाए और अपने चैनल पे और कौशल सर के चैनल पे पोस्ट किया जाए इसको। तो कौशल सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मेरे चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और मेरे चैनल का नाम आप राहुल देवदास सलानिया है, आप तो जानते हैं, तो मेरे चैनल के बारे में अपने व्यूअर्स से और मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स से बस सभी लोग कहते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए, लेकिन आपसे भी निवेदन है कि शुरुआत में ना लोगों को अपना डेली लाइफ मत दिखाइएगा, ठीक है? बहुत सारे लोग शुरुआत में डेली लाइफ दिखाते हैं, वो तो देखिए मेन होता है या तो बहुत बड़े हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास हम लोग हैं, तो हमको थोड़ा थोड़ा एडवांटेज दिखाना होगा, मतलब एडवेंचर टाइप पे, हाँ, कहीं भी अच्छा अच्छा जगह, मतलब थंबनेल में थोड़ा क्लिकबेट चलेगा, और ताकि लोगों तक पहुँचे तो लोग आपके बारे में जाने, क्योंकि जब तक आप क्लिकबेट नहीं कीजिएगा लोगों तक पहुँचेगा नहीं। लोगों तक कैसे पहुँचता है? क्लिकबेट कीजिए तो लोग क्लिक करेगा, क्लिक करेगा तो दूसरे तक और वीडियो जाएगा, दूसरा भी क्लिक किया तो तीसरे तक यूट्यूब भेजेगा, ऐसे करके हो जाएगा ग्रो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो बोला कि आपका भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इससे थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगा कि आपका व्यूअर्स जो हैं आपको बहुत पसंद करते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे भी थोड़ी अर्निंग हो जाएगी यूट्यूब से, तो इसके लिए भी धन्यवाद सर। सर, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप नए यूट्यूब क्रिएटर या यूट्यूब जो यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं या चाहे अनदर फील्ड से, कोई भी फील्ड से हो गए, उनके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? एक लाइन में, सिंपल लाइन में कहेंगे कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है जी, आप वीडियो रेगुलर डाल रहे हैं, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सब अच्छे से कर रहे हैं, आपको एक डेढ़ महीने तक अगर ग्रोथ नहीं मिला तो दूसरा महीना बैठिएगा मत, कहीं से भी खरीदिए, सब्सक्राइबर वॉच टाइम मोनेटाइज करा लीजिए, उसके बाद फिर ताकि आप ग्रो करने पे ध्यान दे पाएँ, क्योंकि इस चक्कर में आपका उसी पे काट आट कर रहेगा, 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरा करें, 4000 घंटे कैसे पूरा। ऐसा बात है कौशल सर कि बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने में, लेकिन उनका 1000 तो सब्सक्राइबर पूर गए हैं, लेकिन वॉच टाइम अपने से वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वॉच टाइम पूरा करने के लिए आप क्या माने उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे उनके लिए? वॉच टाइम खरीद लेना, सीधी बात। क्या आप दे सकते हैं वॉच टाइम? हम तो देवे करते हैं, फैक्ट्री लगा हुआ है। जी सर, तो आप सब्सक्राइबर और वॉच टाइम को कम से कम मैंने आप पूरा कर सकते हैं उसको, और मैंने आपसे कांटेक्ट करने का कोई जरिया सर? मोबाइल नंबर आप अपने दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, ऐसे 7004184101 है। सब्सक्राइबर का देखिए, नॉन ड्रॉप सब्सक्राइबर का रेट 3 रुपये है मार्केट में, लोग 4-4 रुपये लेते हैं जो बेईमानी करते हैं, और वॉच टाइम का है लगभग बाकी वही 4000 घंटे का, लगभग मेरा 1.20 रुपये पर आवर के हिसाब से है, जो लोग प्रॉब्लम में होते हैं उनका प्राइस और भी कम कर देते हैं, लेकिन सेम यही चीज़ लोग 4000 घंटे का 8000 रुपये लेते हैं, मैं 4000-4500 में कंप्लीट कर देता हूँ और बाकी मोनेटाइज कर देते हैं। अब तो ये भी तरीका आ गया कि अगर मोनेटाइज आप कराते हैं हमसे तो हम आपको अर्निंग का तरीका भी देंगे, जिससे आप $100 हर महीने कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, तो वो भी तरीका हमारे पास है। बाकी ये सारी बातें हमने क्लियर कर दी, एक बार फिर से पब्लिक से निवेदन है, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा जो नए क्रिएटर है, ताकि उनको मदद मिले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। महाकाल का धमाका लगाकर सेट ठोक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर हमें और हमारे व्यूअर्स को बहुत नॉलेज मिली होगी यूट्यूब से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर जो हैं कि परेशान रहते हैं कि मेरा 1000 वॉच टाइम नहीं, सब्सक्राइबर नहीं हो रहा है और 4000 घंटा वॉच टाइम नहीं पूरा हो रहा है, तो कैसे करें, तो कैसे करें का आपको सोल्यूशन मिल गया होगा और कौशल सर ने इसका सोल्यूशन बताया, तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों से विदा लेते हैं और कौशल सर को धन्यवाद कहना चाहते हैं।